Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गैंगस्टर केस में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी और इसके साथी को 10 साल की सजा हो चुकी है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते थे, कहते थे कि पुलिस और गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब यह मामला दर्शाता है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी है, विधि सम्मत है। एडीजी ने कहा कि अब सक्षम न्यायालय की सजा देने के बाद से या बिना किसी शक के साथ पुलिस की कार्रवाई अपने जगह सही थी। इससे पहले भी कुछ मामलों में मुख्तारी को सजा दी थी। उन्होंने कहा कि हमने गैंगस्टर एक्ट में जो अधिकतम सजा 10 साल की सुनवाई है वो दिलवाने में सफलता पाई है। इस दौरान हमने समय से सभी गवाह को पेश किए हैं, उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, जिसकी वजह से कन्विक्शन हो पाया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी जितने भी मामले कोर्ट में चले हैं हम उसमें से सजा दिलाने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। जो पहले चीजें हो चुकी है उसके बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी जो केस विचाराधीन है हम उनके सभी गवाह समय से पेश करेंगे, गवाही कराएंगे, बाकी न्यायालय पर निर्भर करता है। गैंगस्टर एक्ट में जब्त की जा चुकी है 290 करोड़ की संपत्ति। एडीजी ने कहा कि अभी तक सभी माफिया जेल के अंदर हैं, किसी को भी बेल नहीं मिली है। यह दर्शाता है कि पुलिस की कार्रवाई उचित ढंग से की गई है, विधि सम्मत की गई है। उस माफिया यानी कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर की लगभग 290 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हो चुकी है। एडीजी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की 283 करोड़ की संपत्ति से कब्जा हटाया जा चुका है या वह निर्णय अवैध मिलने पर ध्वस्त की जा चुकी है। कोशिश यही है कि पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त किए जाए और उनके द्वारा लोगों को द्वारा किए जाने वाले गलत काम को खत्म किया जा सके, ताकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके, जिससे उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश आ सके। ये प्रशांत किशोर ने तब कहा है जब बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में और खास करके अजय राय के जो भाई थे जिनको मारकर हत्या कर दी गई थी, उस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बाकी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके ऊपर जो बयान दिया है उसको लेकर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।